भाई, ये तो ऐसी ड्रामा है भाईजान। कोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नमूने का जरासीम है। ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। जो गार्ड मिल रहा था वो 10,000 का, अब वो मिल रहे 20,000 का ना। आवाम से ये पैसा हम तो आवाम से निकालने पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शहरनामा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन बिन मुनव्वर। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान घंटाघर के लंडा बाज़ार में। आइए, हमारे साथ कुछ मौजूद है दुकानदार, हम उनसे पूछते हैं कि लंडा बाज़ार में लोगों की इतनी गहमा गहमी के बावजूद, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बावजूद, उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है। क्या है कि उनका कारोबार पिछले साल की निस्बत काफ़ी अच्छा था, ये इस दफ़ा काफ़ी कम हो गया है। जी बिल्कुल, जी बताइए। जी भाई, पिछले साल से बिल्कुल सही जा रहा है। सर्दी की वजह से जो है काम थोड़ा स्लो है, बकाया महंगाई कोई नहीं है। यही चीज़ था जो पिछले साल जितना का बेच रहा था, इस साल भी उतना का ही बेच रहे। ठीक, बिल्कुल। जैसे कि इनका कहना है कि जिस तरह पिछले साल जो रेट था वो भी वही इसी साल है। अगर बात कोरोना SOPs की जाए तो यहाँ लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि कोरोना SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रही। यहाँ चंद दुकानदार मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए कि मौसम सरमा के आते ही लंडा बाज़ार में लोगों का रश बढ़ गया है, जबकि सीज़न में सर्दियों का है, तो आप लोगों का कारोबार तो खासा चल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्क जो लिखा है वही मिलना है। और दूसरी बात ये कहूँगा, ये कोरोना के हवाले से, कोरोना शुरोना कुछ नहीं, हम लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है, सबसे मेन चीज़। दूसरी बात, हमें आज तक कोई हुक्मरान नहीं मिला। आज तक मैं एक भांजे के साथ गया हूँ एक इदारे में, ये 200 रुपये की चिट लिख के थी, मैं 400 रुपया भर के आया हूँ। आज तक हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं बना। 100 की मेरी एक बात। तो आप कहना चाह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, नहीं है, हमने अपना ईमान बेच दिया है। तो दीन इस्लाम में भी, अहदीस में भी आया है कि जब कोई वबा है तो उस वबा से एहतियात की करनी चाहिए, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? वो तो एहतियात है, जब मौत आनी जब ही आनी है। जो रिस्क लिखे है ना, हम पहले नवाब थे, अगर हम मालिक ने फकीरी दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मौत आनी है जो आनी है, सफाई निफ्से ईमान सफाई रखे। कुछ खरीदार मौजूद है जी, तो आप बताइए लंडे के अंदर क्या आपको सस्ती और मयारी अशिया मिल जाती है? बहुत मयारी मिल जाती है, बल्कि बाजार से बहुत सस्ती होती हैं और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती हैं। तो कोरोना वायरस की पेश नज़र यहाँ लोगों को सोशल डिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई एहतियात बिल्कुल नहीं है, एहतियात बिल्कुल नहीं है। तो आप कहती है कि कोरोना है? है तो सही, है तो क्या आप भी एहतियात करती है? कर तो रहे हैं, हम देखे, हमने तो लगाया वेल। इसी तरह हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा है। जर्सी खरीदा हमने, जुराबे खरीदा है। जर्सी खरीदी, जुराबे खरीदे, तो क्या पिछले साल की निस्बत इस साल काफी अच्छा है? नहीं, अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा है, गरीब लोगों के लिए अच्छा है। गरीब लोगों के लिए लंडा काफी फायदेमंद है, यहाँ सस्ती और मेरी अशिया मिल जाती है। तो आप ये बताएं, क्या कोरोना वायरस की वबा वाकई में ही है? बस ये इमरान खान का झूठ है, कुछ नहीं है, ये इमरान खान का झूठ है। तो जो इतने लोग इससे अमवात का शिकार हो रहे हैं, इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने बीमारी भेजा है। कोई बुखार में मर रहा है, कोई पेट दर्द में ख़त्म हो रहा है, जो भी है। तो जो अल्लाह ने बीमारी भेजा है, उस बीमारी की एहतियात भी तो हमारा दिन कहता है। एहतियात तो कहता है, लेकिन मतलब ये है कि अब एक बीमारी के पीछे लग जाना कि ये है बीमारी है, ये है, तो ये कोई हल नहीं होता है बीमारी का। नहीं जाता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ कहना था कि शोर करने से बीमारी का हल नहीं होता। जी बिल्कुल, हमारे साथ और शहरी मौजूद है, तो यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। जी भाई, आपने क्या लिया है? कुछ भी नहीं लिया, अभी देख रहे हैं भाई। जी अभी देख रहे हैं आप, बिल्कुल। तो आपको पसंद नहीं आया यहाँ कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक कोई नहीं आया पसंद। तो क्या लंडे के अंदर मयारी और सस्ती अशिया कम दामों मिल जाती है आपको? मिल जाती है, अच्छी ब्रांडेड भी मिल जाती है, लेकिन अगर ढूंढनी पड़ती है। अच्छा, आप ये बताया आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क मिला ही नहीं है। मास्क मिला नहीं है, यहाँ मास्क जगह जगह बिक रहे हैं। ये पता नहीं यार, हमें कोई नहीं नज़र आया। आप लोगों को कोई नहीं नज़र आया? जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ लोग कोरोना वायरस की SOPs पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ मजीद शहरी मौजूद हैं, आइए हम उन शहरियों से पूछते हैं। जी बिल्कुल, आप क्या लेने आए हैं यहाँ पर? कपड़े लेने हैं। जी हाँ। तो क्या आपको पसंद आई यहाँ कोई जर्सी? देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो क्या लंडे के अंदर आपको सस्ती और मयारी अशिया मिल जाती हैं? मिल जाती हैं, गुजारा हो जाता है, हो जाता है। तो महंगाई की क्या निस्बत है पिछले साल की निस्बत? इस साल ज्यादा रेट है, कम है? बहुत ज्यादा है, रो रहे हैं।
तंग है। हाँ गरीब आदमी तंग है। तो आप ये बताएं क्या कोरोना वायरस पाकिस्तान में मौजूद है? बस माफी दे बस क्या अल्लाह तो बिल्कुल माफी देता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कोरोना वायरस पाकिस्तान में मौजूद है? मौजूद। तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया होगा? मास्क है जेब में है, क्या करें? बस इस महंगाई से मर जाए तो बेहतर ठीक है। बिल्कुल हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इस डंडा बाजार में यहाँ कैसी अशिया मिलती हैं, सस्ती मेयारी अशिया आम आदमी की रसाई तक मौजूद है कि नहीं है? भाई पिछले साल ये बात था, जो गाट मिल रहा था वो 10,000 का, अब वो मिल रहा है 20,000 का ना, तो ये ज़रूर होगा भाई। आवाम से ये पैसा हम तो आवाम से निकालने पड़ेगा ना, तो ये लोग आते कि भाई ये महंगा है। अब इस साल और दूसरे साल का बड़ा फर्क है मेरा भाई, कोरोना मरोना कुछ नहीं है, ये कोरोना नहीं है भाई, बस अल्लाह माफ़ करे हमारा कारोबार है, बस आहिस्ता आहिस्ता बस इसको बंद कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पिछले साल जो गार्ड 10,000 का मिलता था वो इस साल 20,000 का मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग यही पैसे आवाम से महंगा करके वसूल करते हैं। तो हमारे मुल्क में कोरोना आ चुका है, आपने कोरोना वायरस के बावजूद मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? यार तो हम 5 वक्त नमाज पढ़ते, हमारा कोरोना से कोई डर नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ने से कोरोना नहीं लगता? नहीं, 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 मैं गारंटी देता हूँ नहीं लगेगा। गारंटी देते हो? आपकी गारंटी पे कौन अमल दरामद करेगा? वही तो बात है, जब मुसलमान है वो करेगा, मुसलमान नहीं है तो घूमिए फिर। तो ये जो हजारों लाखों मुसलमान जो कोरोना से मौत का शिकार हुए हैं, उन वो मुसलमान नहीं थे? वो है मगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, जब पढ़ेगा तो इसमें नहीं आएगा, जब पड़ेगा तो इसमें नहीं। तो हमारा दीन भी कहता है, अल्लाह पाक भी कहता है, हदीस पाक भी है कि जब कोई वबा है तो उससे एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करना चाहिए मगर ये वबा तो हमने देखा नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा कि ये भाई ये इस मरस में मुबतला है, हमने अभी तक नहीं देखा है। आप ये बताएं कोरोना वायरस है तो आपने मास्क लगाया लेकिन मुंह पर क्यों नहीं चढ़ा? बस ये दिखावा क्या करें, ना लगाएं तो फिर वो पुलिस वाले पकड़ेंगे। अच्छा तो क्या इंतजामिया की तरफ से मास्क इस्तेमाल करने पर, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने पर सख्ती है? सख्ती है सर, क्यों नहीं है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा सख्ती है जी। बिल्कुल, जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ सेलमैन, दुकानदार, खरीदार, तमाम तर लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस यहाँ मौजूद ही नहीं है, इसका कोई तस्वुर ही नहीं है, ना ही लोग यहाँ पर कोरोना वायरस की SOPs पर अमल कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा यहाँ मौसम सरमा के आते ही लोगों के कारोबार के अंदर मज़ीद इजाफा है। पिछले साल की नस्बत इस साल महंगाई के अंदर लोगों का, दुकानदारों का फ़र्क को बताना कि पिछले साल जो चीज़ एक 10,000 की मिलती थी वो इस बार 20,000 की मिलती है, जिसकी वजह से ये लोग आवाम से उसके बस महंगी रेट कर वो चीज़ खरीदते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद है कि लंडा बाज़ार में इतना रश है, क्या लोगों को यहाँ सस्ती और मयारी अशियाँ मिल रही हैं? नहीं, महंगी बहुत मिल रही हैं चीज़ें, सस्ती नहीं है। जब से इमरान खान आया ना, महंगी कर दी है, 20 रुपये की रोटी कर दी है। आप देख रहे हैं अब यहाँ पे जलसा था, यहाँ पे आवाम बहुत थी, यहाँ पे पुलिस वाले भी थे, पुलिस वालों को भगा दिया है हमने। तो बिल्कुल हमारे साथ यहाँ और भी शहरी मौजूद है। तो आप कोरोना वायरस चल रहा है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं कोई नहीं चल रहा भाई, कोई नहीं, कोरोना हो रहा भाई, ये तो ऐसी ड्रामा है भाई जान, आवाम को डराने वास्ते है भाई जान, क्यों नहीं है कोरोना? बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि कोरोना वायरस आवाम को सिर्फ डराने के लिए है। हमारे साथ यहाँ कुछ और शहरी मौजूद हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि जी आप बताएं, आपने तो कोरोना वायरस की मुकम्मल एहतियात भी की हुई है, तो क्या लंडे में आपको मयारी और सस्ती अशिया मिल जाती हैं? मयारी तो मिलती है मगर सस्ती नहीं मिलती। सस्ती नहीं मिलती, सस्ती नहीं मिलती। तो आप ये बताएं कि क्या कोरोना वायरस जो है वो हकीकी तौर पर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो लोगों का इतना रश, इतना हजूम, इतनी गहमा गहमी, ये इस पर एहतियात नहीं कर रही, तो क्या इंतजामिया का इस पर कोई अमल दरामद नहीं है? इंतजामिया ने चीज़ें इतनी के सस्ती की हुई हैं कि उन्हें के मजबूरन इधर आना पड़ता है। 1 रुपये की चीज़ आज 10 रुपये की मिल रही है। एक गरीब आदमी रोटी, कपड़ा, मकान हर चीज़ के लिए रह गया। एक मजदूर आदमी है कि वो उसकी जितनी की आमदन है उससे 10 गुना ज़्यादा तो उसके टैक्सेस हैं, किस चीज़ का टैक्स नहीं है? अब बिजली में कि नीलम टैक्स, जेलुम टैक्स, फलाना टैक्स, दिगर टैक्स, ठीक है ना, ये फिर सेल टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, गरीब बंदा तो टैक्स में रह जाता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि लोगों का लंडे में आने की वजह हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की महंगी तर अशिया लोगों को लंडे में आने पर मजबूर करती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ चंद और शहरी भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, आप पहले तो ये बताएं कि कोरोना वायरस की वबा चल रही है और आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? कोरोना वायरस की वजह से ये है, मास्क इसलिए नहीं लगाया, हुकूमत कितनी बार कह चुकी है,
मगर कोई इस बात पर अमल नहीं करता। बहरहाल बात यह है कि इंसान गरीब का पेट लगा हुआ है, मगर गरीब ने तो अपनी मजबूरी के लिए बाहर तो निकलना ही है। आप ये बताएं क्या कोरोना वायरस वाकई में है? जी है। अगर है तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? बस पैसे नहीं है, हालात नहीं है, मजबूरियां हैं, पेट सब कुछ करवाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप माशाल्लाह एक बाखूब रू पाकिस्तानी शहरी कहना चाह रहे हैं कि पैसे ना होने की वजह से आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? जी। तो क्या पैसों से ज्यादा आपकी जान कीमती, आपकी जान से ज्यादा पैसे कीमती है? आज का वक्त और आज का हालात पेट के खाते सब कुछ करवाता है। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, आपने देखा कि लोगों का कहना है कि हालात बहुत कुछ करवाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ एक और दुकानदार मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी आपने पहले ये बताएं कि मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क भाई, कोरोना ही नहीं है यहाँ, क्या करेंगे मास्क लगा के, किस चीज़ का कोरोना? नहीं, आप कहना चाह रहे कोरोना नहीं है? नहीं। अच्छा, लंडा बाजार के खुलने के बाद लोगों का इतना शदीद रश है यहाँ मार्केट में, तो क्या आप लोग के कारोबार में इजाफा हुआ है? कोई इजाफा नहीं हुआ, ये फजूल का रश है। आप देख रहे हो फारिक बैठे हैं यहाँ पे, कितने दुकानदार, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा कारोबार को, वैसे ही है। तो क्या लोगों को लंडा बाजार में सस्ती और मयारी अशिया नहीं मिल रही? सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन लोगों के पास पैसे ही मुके हुए हैं, क्या करेंगे वो लेके? जिसको 200 का बताओ वो कहता है 100 लगा लो, 50 लगा लो, तो वो क्या करेगा लेके, मुझे ये बताओ। लोगों के पास पैसा ही नहीं है मेरे भाई। तो जी नाजरीन, सर्दियों के मौसम सरमा के आने के फौरन बाद गर्म मलबूसात का इजाफा लंडे में हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान शहर के लंडा बाजार में, जहाँ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लंडे से सस्ती और मयारी अशिया ले रहे हैं। जी हमारे साथ यहाँ चंद खरीदार मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं। जी आंटी जी, तो जी, क्या मुल्तान में आप लंडा बाजार में आई हुई हैं, क्या इस दौर के अंदर आपको सस्ती और मयारी अशिया मिल रही हैं? नहीं, महंगी चीज़ें मिल रही हैं, पहले से बहुत महंगी हो गई हैं। अच्छा, आप कहना चाह रही हैं पहले से महंगी हो गई हैं? पहले जो चीज़ें 50 की मिलती थी, अब वो 250-300 की मिल रही है। अच्छा बिल्कुल, यानी मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जो पहले चीज़ 50 की मिलती थी, वो अब 250-300 की हो गई है। क्या ये कोरोना नहीं है? नहीं, ये कोरोना नहीं है, ये कोरोना का एक बहाना है। कोरोना का एक बहाना है, कोरोना जो बाहर से माल आता था हमारे लिए, जो है ना उसमें कम पेश होती, आवाम खरीदती थी गरीब, अब वो नहीं खरीद पा रही है। अब वो नहीं खरीद पा रही है, ठीक है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो पहले माल आता था वो अब कोरोना की वजह से वो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं? तो ना बाहर से माल आता है और ना लोग खरीद, तो कोरोना की वजह से इतनी जो जाने माल ये नहीं बचा हुआ है, उसी में वो सेल कर रहे हैं, उसको महंगे दामों बेच रहे हैं, यानी कि दूसरे लफ्जों में जैसे कहते हैं ब्लैक में बेचना। अच्छा, ब्लैक में बेच रहे हैं, तो कोरोना की वजह से जो इतनी जाने जा रहे हैं ये वो क्या है? मेरे ख्याल में कोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नमूने का जरासीम है, ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। किसी भी बीमारी का जब हम इलाज नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बीमारी फैलेगी और बंदा डेथ। तो बीमारी का इलाज से बेहतर तो एहतियात होती है, और आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? एहतियात करेंगे, एहतियात के बावजूद, यानी कि हम जो है मकसद है जो है ना, जैसे अभी कोई भी चीज़ है, हमें नज़ला होता है, बुखार होता है, हम दवाई लेते हैं, जब हम दवाई नहीं लेंगे, हमारी दवाई जो है बाहर चली जाएंगी, तो फिर ज़ाहिर है फिर मतलब बीमार होगा, हमारी रहेगा। ठीक, तो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ख़रीदारों का कहना है कि कोरोना नहीं है, ये सिर्फ एक नमूनिया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ कुछ दुकानदार मौजूद है, आइए उन दुकानदारों से पूछते हैं। जी कोरोना वायरस के बाद अब लंडा बाजार में शदीद लोगों का रश है, क्या लोगों का जितना रश है उतना ही आप लोगों का कारोबार में भी इजाफा हुआ है? कारोबार ठीक जा रहा है इस टाइम, अल्लाह की रहमत है। अच्छा, कारोबार ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये कोरोना वायरस की वबा चल रही है, लोग एहतियात कर रहे हैं, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, लोग एहतियाती तदाबीर सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? रब पे भरोसा है, अल्लाह खैर करेगा। नहीं, अल्लाह पे तो बिल्कुल भरोसा है, कोई मसला ऐसा नहीं है। तो क्या अल्लाह पर भरोसा करके इंसान कुएं से छलांग मार दे? ठीक जी बिल्कुल, हम दूसरे दुकानदार से पूछते हैं कि उनके कारोबार पर इस लंडा बाजार में क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, माशाल्लाह कारोबार बेहतर है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा कारोबार है। एहतियात जो है वो करनी चाहिए, एहतियात लाजिम है, ये नहीं है कि माशाल्लाह हमारे भाई हैं ये बड़े, ये कहने के अल्लाह के वली हैं, मैं कह रहा हूँ ना जैसे, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है, एहतियात। मतलब आप कहते हैं कि कोरोना वायरस है वाकई में? वायरस है, केसेज आ रहे हैं आपके सामने, मुल्तान में काफ़ी केसेज आए हैं, पंजाब में काफ़ी केसेज हैं, लेकिन आप देखिए जितना रश है, रश की इंतहा है, और 50% ही बंदे जो हैं वो मास्क यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो समझ लो आप देख रहे हैं यहाँ जैसे कि, लेकिन रश बहुत है, एहतियात करनी चाहिए लोगों को। तो क्या हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कोई इकदाम सैनिटाइज़र यूज़ करने पर? वो कहती है, इंतज़ामिया कहती है, बारे लोग आवाम, हम लोग ढीठ बने हुए हैं। ठीक, मतलब आवाम ढीठ बनी हुई है, इंतज़ामिया कहती है? इंतज़ामिया गाय बगाय चक्कर लगाती है, दिन में दो दिन बाद चक्कर लगते हैं, मास्क चेक करते हैं, सैनिटाइज़र चेक करते हैं, आते हैं इंतजामिया वाले, सी बात नहीं है, लेकिन बस लोग हैं, पब्लिक आपको पता है, मानने को तैयार ही नहीं है।
वो तो कहती है ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, कोई ऐसा मसला नहीं। जी नाजरीन, प्रोग्राम शहरनामा में आज मुल्तान में लंडा बाजारों में हमारी दुकानदारों से और खरीदारों से बात हुई, जबकि दुकानदारों का कहना था कि लंडा बाजार में महंगाई की वजह पिछले साल की निस्बत इस साल खरीद के रेटों पर बहुत ज़्यादा इजाफे की है, जबकि खरीदारों का कहना था कि ये महंगाई हुकूमत की वजह से है। इसी के साथ साथ कोरोना, अगर कोरोना 120 की बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना इस मुल्क में है ही नहीं, जिसकी वजह से वो कोरोना 120 पर अमल नहीं करते, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना हकीकतन एक वबा है जिसका हमें एहतियात करना चाहिए। प्रोग्राम शहरनामा से अपने मेज़बान ज़ैन बिन मुनव्वर को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।